पीआरबी स्टडी पॉइंट इस यूट्यूब चैनल पे आपको इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन और स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन इन दोनों सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। उन सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अभी इलेक्ट्रिकल मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ाना चालू है। इन दोनों सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट के वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलने वाले हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं और आप नए वीडियोस देखना चाहते हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चैनल पे आने वाले नए वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल ए ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज विजयश्री एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स में आप सभी का स्वागत है। तो प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में हमने क्या देखा था, हमने मटेरियल्स ऑफ द सॉरी हमने पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर एंड इट्स फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। ट्रांसफार्मर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं और उसके जो है फंक्शंस क्या होते हैं वो हमने देखा था। तो इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे मटेरियल्स यूज फॉर द पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर। तो अगर बात करें तो मेन मटेरियल जो यूज होता है, मेन पार्ट जो होता है, दैट इज कोर। ओके, तो कोर के लिए अगर हम बात करें तो कोर के लिए किस टाइप का मटेरियल यूज होता है। सो द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज यूज टू सपोर्ट द वाइंडिंग्स। बेसिकली ये क्या करता है, सपोर्ट करता है वाइंडिंग्स को। ओके, एंड इट इज मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन टू रिड्यूस एडी करंट लॉस एंड हिस्टेरेसिस लॉस। तो ये सॉफ्ट आयरन मटेरियल से बनाया जाता है, सॉफ्ट आयरन से बनाया जाता है। किसके लिए, टू रिड्यूस एडी करंट लॉस एंड हिस्टेरेसिस लॉस। और साथ ही साथ वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है लो रिलक्टेंस पार्ट टू द फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, क्या करता है, लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है टू द फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्सेस। द डायमीटर ऑफ द ट्रांसफार्मर कोर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉपर लॉस। इसका ट्रांसफार्मर कोर का जो डायमीटर होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द कॉपर लॉस। कॉपर के लॉस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है इसका डायमीटर होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयरन लॉस। कॉपर लॉस के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आयरन लॉस। देन उसके बाद आता है वाइंडिंग। सेकेंड इज वाइंडिंग्स। तो वाइंडिंग्स की अगर बात करें तो वाइंडिंग्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल कॉपर कॉइल्स टर्न्स बंडल टुगेदर। वाइंडिंग्स क्या होती है, कॉपर कॉइल्स होते हैं, तो बहुत सारे कॉपर कॉइल्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, कॉपर कॉइल टर्न्स होते हैं जो बंडल किए गए होते हैं, बंडल होते हैं एक दूसरे के साथ। Each bundle connected to form a complete winding. तो एक बंडल, each bundle connected to form a complete winding. Windings can be based either on input-output supply or on the voltage range. तो ये किस पे based होती है? Based on input-output supply. Okay. और या फिर वोल्टेज की रेंज पे, इसके वोल्टेज की रेंज पे जो है ये बेस्ड होती है। वाइंडिंग्स दैट आर बेस्ड ऑन सप्लाई आर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। तो अगर सप्लाई की बात करें, इनपुट आउटपुट सप्लाई की अगर बात करें तो ये बनी होती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स में इसका जो है क्लासिफिकेशन बताया गया है। सो द मीनिंग, द वाइंडिंग्स टू विच द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज इज अप्लाइड रिस्पेक्टिवली, यानी कि प्राइमरी वो है जिसमें इनपुट लगाया गया है, इसमें इनपुट लगाया गया है, और सेकेंडरी वो है जिसमें आउटपुट लगाया गया है।
हैंड वाइंडिंग्स बेस्ड ऑन वोल्टेज रेंज, अगर वोल्टेज रेंज की बात करें, वोल्टेज रेंज की अगर बात करें तो हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज ऐसे दो कैटेगरीज में ये क्लासिफाई किया गया है। और ये मटेरियल को कौन सा यूज होता है, कॉपर कॉइल्स। ये हो गई हमारी वाइंडिंग। अगर बात करें हम इंसुलेटिंग मटेरियल्स, इंसुलेटिंग मटेरियल्स की अगर बात करें ये कौन सा नंबर हो गया, थर्ड नंबर। सो इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक पेपर्स एंड कार्डबोर्ड्स आर यूज्ड टू आइसोलेट प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स फ्रॉम ईच अदर एंड एज वेल एज द ट्रांसफार्मर कोर। तो जो वाइंडिंग्स होती है इसको जो है एक दूसरे से सेपरेट करने का काम करते हैं, ये इंसुलेटिंग मटेरियल। और एक दूसरे के तो सेपरेट करते हैं फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से जो है सेपरेट करने का काम करते हैं, साथ ही साथ ट्रांसफार्मर कोर से भी जो है ये सेपरेट करने का काम करते हैं, यानी कि वाइंडिंग्स को एक दूसरे से अलग करते हैं और साथ ही साथ कोर से भी अलग करते हैं वाइंडिंग्स को। तो इसके लिए जो मटेरियल्स यूज होते हैं वो कौन से होते हैं, क्या क्या बताया गया, पेपर्स एंड कार्डबोर्ड्स, इस तरीके के मटेरियल जो है एज एन इंसुलेटिंग मटेरियल यहाँ पे यूज किए जाते हैं। सो दिस वाइंडिंग्स आर मेड अप ऑफ कॉपर ड्यू टू हाई कंडक्टिविटी एंड डक्टिलिटी। वाइंडिंग्स कौन से मटेरियल की बनाई जाती है, कॉपर की बनाई जाती है ड्यू टू इट्स हाई कंडक्टिविटी एंड डक्टिलिटी। सो हाई कंडक्टिविटी मिनिमाइजेस द अमाउंट ऑफ कॉपर नीडेड एंड मिनिमाइजेस लॉसेस। तो हाई कंडक्टिविटी होने की वजह से जो है क्या होता है कि जो कॉपर का अमाउंट है जो लगने वाला है हमारे वाइंडिंग के लिए वो कम होता है, ओके। और हाई डक्टिलिटी की वजह से क्या होता है, बेंडिंग जो होती है कंडक्टर की वो इजी होती है इनटू टाइट वाइंडिंग, ओके। देन इस रीजन से द बेंडिंग ऑफ द कंडक्टर्स इनटू टाइट वाइंडिंग अराउंड द कोर इट इज इजी and that also minimizes the amount of copper and volume of winding. The winding का जो volume भी है वो भी कम हो जाता है, volume भी कम हो जाता है। उसके बाद है transformer oil, यही पे लिख लेती हूँ इसी slide पे। तो अगर fourth one is transformer coil, transformer oil, तो इसके लिए कौन सा material use किया जाता है। So transformer oil insulates as well as cools the core and coil assembly. पिछले ट्यूटोरियल में हमने देख लिया था। So the core and windings of the transformer must be completely immersed in the oil that normally contains hydrocarbon mineral oil. So इसमें क्या बताया गया है कि hydrocarbon mineral oils इसमें यूज किया जाता है, हाइड्रोकार्बन मिनरल ऑयल्स का जो है यूज किया जाता है इन द ट्रांसफार्मर। तो ये क्या करता है, इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ कूलिंग पर्पस के लिए भी इसको यूज किया जाता है। उसके बाद है कंजर्वेटर। तो कंजर्वेटर में जो है एक एयरटाइट मेटालिक सिलेंड्रिकल ड्रम होता है, जो कि ट्रांसफार्मर के ऊपर जो होता है फिट किया जाता है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर का ऑयल जो है कंजर्व होता है। तो इसके लिए मटेरियल कौन सा यूज होता है, एयरटाइट मेटालिक सिलेंड्रिकल ड्रम, एयरटाइट मेटालिक सिलेंड्रिकल ड्रम जो है इसमें यूज किया जाता है इन द कंजर्वेटर। तो ये क्या करता है, ट्रांसफार्मर के ऑयल को कंजर्व करने का काम करता है। Then, उसके बाद है ब्रीदर, सिक्स्थ वन इज ब्रीदर। तो ब्रीदर जो होता है एक सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है फिल्ड विद सिलिका जेल, सिलिका जेल।
तो ये क्या किसके लिए यूज किया जाता है? इट यूजेस टू कीप द एयर दैट एंटर्स द टैंक मॉइस्चर फ्री. तो टैंक को जो है मॉइस्चर फ्री रखने के लिए ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल ऑफ द ट्रांसफार्मर ये जो है ब्रीदर यूज किया जाता है. तो सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है जिसमें सिलिका जेल जो है भरी हुई होती है. इससे क्या होता है हमारा मॉइस्चर जो है वो एंटर नहीं करता इन द टैंक ऑफ द ट्रांसफार्मर. उसके बाद है टैप चेंजर. सो सेवेंथ वन इज टैप चेंजर. टैप चेंजर की अगर बात करें सो द बैलेंस वोल्टेज वेरिएशंस विद इन द ट्रांसफार्मर टैप चेंजर्स आर यूज. वोल्टेज वेरिएशंस को जो है बैलेंस करने के लिए ट्रांसफार्मर में ये जो है टैप चेंजर्स यूज किए जाते हैं. तो इसमें दो टाइप्स होते हैं, ऑन लोड टैप चेंजर एंड ऑफ लोड टैप चेंजर. तो ऑन लोड टैप चेंजर जो होते हैं इसमें क्या होता है टैपिंग जो होती है वो चेंज की जाती है विदाउट आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर. यानी कि ट्रांसफार्मर को आइसोलेशन प्रोवाइड किए बगैर जो है सप्लाई से इसमें हम जो है टैपिंग चेंज कर सकते हैं. लेकिन जो अगर हम बात करें ऑफलोड ट्रांसफार्मर की तो ट्रांसफार्मर जो है उसको डिस्कनेक्ट करना पड़ता है यानी कि आइसोलेशन की जरूरत पड़ती है. तो ये कंडीशन किसके लिए हो गई? ऑन लोड टैप चेंजर के लिए. और ये किसके लिए हो गई? ऑफ लोड टैप चेंजर के लिए. ओके देन उसके बाद आता है कूलिंग ट्यूब्स. एट वन इज कूलिंग ट्यूब. सो एज द नेम सजेस्ट कूलिंग ट्यूब्स आर यूज टू कूल द ट्रांसफार्मर ऑयल. ये जो है ट्रांसफार्मर के ऑयल को कूल करने के लिए यूज किया जाता है. तो इसमें क्या होता है ऑयल का जो है सर्कुलेशन होता रहता है. तो इसकी वजह से एक नेचुरल फ्लो होता है ऑयल का, जिसकी वजह से नेचुरल सर्कुलेशन होता है. तो जब ऑयल का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हॉट ऑयल क्या करता है उसमें से मूव करता है, मूव टू द टॉप एंड कोल्ड ऑयल मूव डाउन. तो हॉट ऑयल जो होता है वो सॉरी हॉट ऑयल जो होता है वो ऊपर की ओर बढ़ता है और कूल ऑयल जो होता है वो नीचे की ओर चला जाता है. तो इस तरीके से ये मूव होता है. तो इन केस ऑफ फोर्स सर्कुलेशन इटरनल पंप इज यूज. तो जिसमें फोर्स सर्कुलेशन हो ऑयल का उसमें क्या होता है इटरनल पंप का यूज किया जाता है फॉर द कूलिंग ट्यूब्स. उसके बाद है बकॉल्स रिले. बकॉल्स रिले की अगर बात करें तो ये प्लेस किए जाते हैं ओवर द कनेक्टिंग पाइप जो कि रन होता है फ्रॉम द मेन टैंक टू द कंजर्वेटर टैंक. मेन टैंक से कंजर्वेटर टैंक तक ये जो है रन किया जाता है, रन करता है. तो इसके लिए तो ये क्या किया जाता है कनेक्टिंग पाइप के ऊपर जो है प्लेस किया जाता है. तो बकॉल्स रिले क्या करता है फॉल्ट को सेंस करता है इन द ट्रांसफॉर्मर. और ये ऑपरेट होते हैं बाय द गैसेस एमिटेड ड्यू टू डीकम्पोजिशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑयल ड्यूरिंग इंटरनल फॉल्ट. तो जो फॉल्ट ऑकर होता है सिस्टम में, जो फॉल्ट ऑकर होता है तब जो ऑयल है वो डिकम्पोज होना शुरू कर देता है. तो उसकी वजह से जो गैसेस यहाँ पे जनरेट होती है, गैसेस यहाँ पे जनरेट होती है क्रिएट होती है कह सकते हैं. तो उस गैसेस के बेसिस पे जो है बकॉल्स रिले काम करता है. सो तब दिस डिवाइस इज यूज्ड टू सेंस एंड इन टर्न प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट दी ट्रांसफार्मर फ्रॉम इंटरनल फॉल्ट. उसके बाद आता है एक्सप्लोजन वेंट. तो नंबर टेन इज एक्सप्लोजन वेंट. तो ये किसके लिए यूज किया जाता है? जो बॉइलिंग हॉट ऑयल होता है ट्रांसफार्मर में से वो एक्सपेल्ड होता है ड्यूरिंग द इंटरनल फॉल्ट थ्रू द एक्सप्लोजन वेंट टू अवॉइड एक्सप्लोजन ऑफ द ट्रांसफार्मर. तो ट्रांसफार्मर तो ही फूट ना जाए या कोई ब्लास्ट ना हो जाए इसके लिए ये हम क्या करते हैं एक्सप्लोजन वेंट में से ट्रांसफार्मर का जो हॉट ऑयल है, ट्रांसफार्मर का जो हॉट ऑयल है ट्रांसफार्मर हॉट ऑयल इसको हम क्या कराते हैं एक्सपेल्ड कराते हैं यानी कि फ्लो करवाते हैं ड्यूरिंग द इंटरनल फॉल्ट. सो दिस इज जनरली प्लेस्ड अबव द लेवल ऑफ द कंजर्वेटरी टैंक. तो ये किसके ऊपर लगाया जाता है? कंजर्वेटरी टैंक जो होती है
उसके ऊपर ये लगाया जाता है। तो ये हो गए हमारे मटेरियल्स यूज फॉर द पार्ट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ओके, अब इसके बाद हमें देखना है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो कौन से प्रिंसिपल पे जो है ट्रांसफॉर्मर हमारा काम करता है वो हमें देखना है। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूले, ताकि इस तरीके की वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।